नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती में जनपद में पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, जहां बता दें कि लोक निर्माण विभाग के भवन में लोकसभा कोर समिति के साथ उन्होंने बैठक की। वहीं पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री के। इस दौरान विधायक और पंचायत जिला अध्यक्ष ने बुके देकर स्वागत किया है। साथ ही इस मौके पर कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं बैठक के बाद से बता दें कि जनजातीय परिवार के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भोजन करेंगे और इस मौके पर कृषि मंत्री के साथ MLC डॉक्टर प्रजा त्रिपाठी, विधायक और साथ ही पूर्व सांसद अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में 5 युवकों के साथ दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों के ज्यादा ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित युवक ने SP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है और साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के गाँव कल्याणपुर का है, जहाँ पर अच्छे भविष्य की तलाश निकलने के लिए युवक ठगी का शिकार हो गए हैं। और साथ ही बता दें कि कुछ दिन पहले ही कल्याणपुर निवासी 5 युवकों को नौकरी के नाम पर एजेंट द्वारा दुबई भेजा गया और सभी से 1.5 लाख रुपए की रकम भी वसूली गई है। वहीं युवकों ने बताया था कि उन्हें कंपनी में पहुंचकर इत्र पैकिंग का काम करना है, जिसके बाद से उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा। जैसे ही पीड़ित सभी युवक दुबई पहुंचे तो उन्हें ना कोई कंपनी मिली और ना ही कोई नौकरी मिली, जिसके बाद से उन्होंने दुबई में सड़कों पर जैसे तैसे रात गुजारी है। वहीं पीड़ित युवकों ने जब परेशान होकर आरोपी एजेंट से बातचीत करने की कोशिश की तो आरोपी एजेंट का फोन बंद आया है। वहीं पीड़ित युवकों ने धमकी दे डाली है और साथ ही बता दें कि उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत भी पुलिस को की है और साथ ही जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की और कार्रवाई की मांग की गई है। बारह 1200 प्लस 200 सैलरी बताई थी और जी इतर पैकिंग का काम बताया था हमें वहाँ पे। और जी हमारी जब उससे बात हुई, हमने और छानबीन सी करी तो इकबाल से बात हुई हमारी। इकबाल हमारे गांव में भी आया, साइन प्रधान के यहाँ बैठक में बात भी हुई बैठ के, और हमारे यहाँ के भी 4-5 जिम्मेदार थे, उनके सामने भी इकबाल ने भी नुकाया जी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको भिजवा देगा, अच्छे काम में लगाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। और जी इकबाल ने कहा जी ये बात हमारे गाँव में ये बैठ के साइन प्रधान के यहाँ बैठक में। और जी दीना है एक, वो भी जिम्मेदार था, वो भी यही गारंटी ले रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम 1.5 लाख रुपए में बात हुई थी जी हमारी, इनको अच्छे काम में लगाएगा, तुम्हारी तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी आपको और चले जाओ। उन्होंने जिम्मेदारी ली जी, हमने उसे पैसे दे दिए, कुछ अकाउंट में गिरे जी उसके। कितने रुपये दे रहे? 1.5 लाख रुपये दिए जी हमने एक एक लड़के ने। कितने बंदे हैं? 5 लड़के हैं जी हम। पाँचों ने 1.5 लाख रुपए दिए जी। इस एजेंट ने मेरे को दुबई भेजा और उधर काम जो मेरे को बताया, प्रोफाइल कंपनी इतर पैकिंग, 1.5 लाख रुपए में मेरी बात हुई, 1.5 लाख रुपए में मेरी बात हुई तो जो वहाँ का इकबाल है प्रधान, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जिला औद्योगिक बता दें कि औषधि निरीक्षण के लिए एक निजी अस्पताल के अंदर चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 8 लाख रुपए से अधिक की कीमत में अवैध अंग्रेजी दवाई को सीज किया गया है और पुलिस को सपूत किया गया है। बता दें कि जिला औषधि निरीक्षण की इस कार्रवाई से जनपद के दवा का अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जिला औषधि निरीक्षण रतन कुमार पांडे ने बताया है कि थाना फेडरस कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आशीर्वाद हॉस्पिटल के अंदर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर
चलाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद ही उसके साथ ही औरैया जनपद के औषधि निरीक्षण ज्योत्सना के साथ संयुक्त रूप से अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 8 लाख स्तर बता दें कि 1000 की अवैध अंग्रेजी दवाई जो है वो बरामद की गई है और सीज किया गया है। उक्त कार्रवाई की सीज का थाना फेडरेशन कॉलोनी पुलिस के हवाले किया गया है। उन्होंने बताया है कि जनपद में किसी भी तरह के अवैध दवा का अवैध व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे भी इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। अब खबर मऊ से है, जहां पर चूल्हे की चिंगारी से आग लगने का मामला ये सामने आया है। वही हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। बता दें कि ये मामला कोपागंज थाना के शाहपुर गांव का है, जहां चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई और इसमें एक महिला सहित 4 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। वही सूचना मिलते ही DIG DM SP सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है। वही पुलिस ने 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर मथुरा से है, जहां पर जिला अस्पताल में कैदी फरार हो गया है। वहीं बता दें कि पुलिस कस्टडी में ये शातिर बदमाश आरुफ उर्फ असदुद्दीन ने देर रात मुठभेड़ के बाद स्वैट टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां पर वो फरार हो गया है। वहीं बता दें कि SSP शैलेंद्र पांडे के निर्देश पर आधा दर्जन टीम शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने की प्रयास कर रही थी। वही श्रावस्ती में संचालित अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि साधारण जांच के दौरान बिना लाइसेंस के चल रही मेडिकल पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है। साथ ही बता दें कि छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर पर मौजूद दवाओं को जब्त किया गया है और साथ ही सीज भी की गई है। ये मामला कोतवाली भिनगा क्षेत्र के कस्बा स्थित अस्पताल चौराहे का बताया जा रहा है। वही खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर आर्थिक तंगी से जूझते हुए परिवार की पीड़ा सामने आई है। दरअसल बीमार पति को पत्नी ने 4 किलोमीटर रिक्शा चलाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पैसे के अभाव में पति का इलाज नहीं हो पाया है। वही पीड़िता ने मेडिकल बता दें कि मीडिया के सामने अपनी आपबीती बताई है और बताया है कि वो पैसे की कमी की वजह से 4 दिनों से वे भूखे हैं। वही सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने पीड़ित परिवार को हर संभव का मदद का भरोसा दिलाया है। श्रावस्ती जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि यहां पर डिवाइडर से मारुति कार टकरा गई है और बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें कार में बैठे 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घायलों को बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंची और इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाया गया और साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 घायलों को डॉक्टर ने हालत नाजुक होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर बता दें कि करंडा ब्लॉक अंतर्गत कुसुम मही कला ग्राम सभा में प्रधान प्रतिनिधि राम किशुन बिंद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप है कि अमृत सरोवर के बगल में पुराने ईंटों और साथ ही सफेद बालू से RRC सेंटर का निर्माण प्रधान प्रतिनिधि द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। इस संबंध में BDO करंडा ब्रिजेश कुमार अस्था ने बताया है कि आपके द्वारा मामला बताया गया है, काम बंद करने का निर्देश सचिव को दिया गया है, जांच करने के लिए निर्देश भी किया गया है।
यूपी के फतेहपुर में शादी.com से माध्यम से रिश्ता होने के बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ लेते हुए कार्यक्रम में शादी की है। और साथ ही बता दें कि जब सिपाही पति विदा कराकर दिल्ली ले गया तो और साथ ही दो दिन रुकने के बाद वो गायब हो गया। पीड़िता ने खोजबीन में पति बता दें कि खोजबीन लगातार करती भी नजर आ रही है। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर पीड़िता ने कहा एसपी से शिकायत की है। और साथ ही बता दें कि शिकायत पत्र में उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आया है। बता दें कि ये जो पूरा मामला है जहां पर पत्नी ने एसपी को शिकायत की है और बता दें कि इस दौरान फर्जी सिपाही बताकर शादी की पीड़िता से और इस दौरान दिल्ली लाने के बाद पीड़िता को छोड़कर वो जो पति है वो फरार हो गया है, जिसके बाद से पीड़िता दर दर भटक रही है और शिकायत को लेकर वे इस समय थाने पहुंची है और दौरान एसएसपी से इस मामले की शिकायत की गई है। यहाँ पे सर जो भी डॉक्यूमेंट्स लड़के ने उपलब्ध करवाया था, जो भी हमको पता बताया था और जो मेरे घर वालों को उसने अपने सारे एविडेंस उपलब्ध करवाए थे, वो सारा कुछ फेंके। मैं 30 को वहाँ गई, सरकारी उसमें रखा हुआ था मुझे द्वारिका सेक्टर 26 में DDL करके वहाँ का कोई एड्रेस है सर, वहाँ मुझे ले जा करके उसने 2-3 दिन तक रखा, पता नहीं क्या मुझे पिला रहा था कि होश ही नहीं था। फिर वो चला गया, बोला कि 3-4-5 को वहाँ पे चुनाव है दिल्ली में, आया ही नहीं वापस। जब मुझे होश आया तो 3-4 दिन मुझे बहुत बुखार आया, बुखार आने के बाद वहाँ पे कोई नीचे लड़का रखा हुआ था तो दवा भी दे रहा था, खाना भी दे रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने नीचे उतर के पूछा कई लोगों से, तो उसको कोई जानता ही नहीं था। जो एड्रेस उसने दिया कि वो दिल्ली क्राइम में काम करता है, तो वहाँ पे मैंने जाके पता किया तो वहाँ उन्होंने बताया कि ना जयवीर सैनी नाम का ना वहाँ पे कोई काम करता है, ना ही पुलिस में कार्यरत है, आप अच्छी प्रकार से फंस गई हैं। तो वहाँ पे DSP ऑफिस में सेक्टर 19 द्वारिका में गई तो वहाँ पे बताया, तो वहाँ पे एक महिला पुलिसकर्मी थी, बोली कि आप सही से पता करिए, शायद आपके हस्बैंड उसमें हो पुलिस उसमें, तो आपका रिश्ता ख़राब होगा। मैंने कहा मैम मेरा एक बार FIR दर्ज कर लीजिए, अगर सही होंगे तो मैं सुरक्षित रहूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मुझे पूरा शक हो गया था कि वो उसमें नहीं है, तो मैं किसी तरीके से निकल के, क्योंकि मेन गेट में उसने एक लड़के को रखा के रखा था, वो बता दे रहा था, तो मैं पीछे की दीवार फान के सर वापस आई। 10-15 मिनट बाद उसको बताया कि लड़की वहाँ से चली गई है, तो वो 10-12 लोगों को ले अब खबर इटावा से है जहां पर जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला कैदी को चकमा देकर फरार होने का ये मामला है, जहां पर बता दें कि पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में इलाज करवा रही महिला अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई है। और को बता दें कि न्यायालय में पेश होने से पहले ही महिला आरोपी को बीमार पड़ने पर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहाँ पर महिला अभियुक्त के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस पर आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने में लगातार जुटी हुई है। इटावा में युवती पर अश्लील कमेंट करने से रोकने पर मंचले ने लड़की के ताऊ पर जानलेवा हमला करते हुए पिस्तल से फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने छेड़छाड़ और साथ ही बता दें कि जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुट गई है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोरखपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक नेबस स्टेशन का जायजा लेने के लिए ये जायजा लिया गया है। बता दें कि इस दौरान परिवहन निगम में हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। बता दें कि परिवहन निगम बस यात्रियों को सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत रही है, लेकिन फिर भी सरकारी बसों में सुविधाओं को टोटा लगाया जा रहा है। आए दिन ये वीडियो वायरल होता रहता है। वहीं कोई भी छतरी लेकर सफर कर रहा है तो कहीं कोई रजाई ओढ़ कर सफर करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे विभाग की फजीहत होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ निपटने के लिए आज क्षेत्रीय प्रबंधक ने अचानक कचहरी स्टेशन में पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया है और साथ ही आवश्यक निर्देश भी देते हुए कमी पाए जाने पर फटकार भी लगाई है। तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से
बस स्टैंड पर घूम घूम कर क्षेत्रीय प्रबंधक जो है वो जायजा लेते नजर आ रहे हैं, और साथ ही बता दें कि इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। जैसे कचहरी बस अड्डे पे हम निरीक्षण करने आए हैं, तो यहाँ पर जो हम जो कमियाँ पाई, हमने जो उपस्थित स्टेशन प्रभारी उनको कमी दूर करने के लिए बुलाया है। यहाँ दो तीन और समस्याएं जो सिविल से थी, तो जेई साहब को भी हमने बुलाया हुआ है, और उनसे जो है जिस नाली से पानी चोक हो रही है, ऊपर से जो नालियाँ आ रही हैं वो चोक हो गई हैं, तो उसको हम पाइप बदलवा रहे हैं, और जो लेटरिन हमारी कुछ चोक है उसमें भी कार्य हम लोग आज करा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो है आप यात्रियों को की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं, उसमें क्या कुछ करा? अब उनके सुगम जो भी बसों में लोग जालौन में साइबर सेल और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी ऐप बनाकर आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पता लगाने में जुटी हुई है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।